अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज था हमारा तीसरा रोज़ा, तो आज का दिन थोड़ा सा बिजी था। खैर, मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी आज जो है, तो बच्चे जब स्कूल और किंडरगार्टन चले गए थे तो मैं और मेरा छोटा बेटा जैन हम सो गए थे, तो हम तकरीबन कोई 12 बजे के करीब उठे थे। तो आधा दिन तो हमारा ऐसे ही गुजर गया था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, आदम को पिक किया किंडरगार्टन से, थोड़ा घर पर हल्का फुल्का कुछ सफाई शफाई की, और फिर उसके बाद आदम की अपॉइंटमेंट थी फिजियोथेरेपी की, इसकी हफ्ते में एक दफ़ा होती है क्योंकि ये उंगलियों पर चलता है, तो हम वहाँ चले गए थे और मैंने नाबिया को भी पिक कर लिया था। तो वापसी पर दोनों कह रहे थे कि आइसक्रीम, इतनी कोई सर्दी ना, और उसमें भी उनको आइसक्रीम चाहिए था, लेकिन खैर मैंने कहा चलो बच्चे हैं, मैंने उनको लेके दिया। और उसके बाद हम ग्रोसरी के लिए आ गए क्योंकि कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो एक दो चीज़ें लेने के लिए भी आप जाते हो तो इतनी चीज़ें आपको याद आ जाती है, ये भी लेना है वो भी लेना है, तो ना करते करते भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है तो ग्रोसरी कर ली थी। और घर आते आते तकरीबन मुझे 5:30 बज चुका था, और मैं जो फोर्ट जो है तो घर आई हूँ, तो पहले तो मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी, पार्किंग मैंने गलत खड़ी की। उससे पहले भी हमें 2-3 टिकट्स मिल चुके थे, तो मैंने कहा गलत पार्किंग की है, तो मैं वापस गई हूँ बाहर जाके। मैंने 2 चक्कर लगाए, मुझे कहीं पर पार्किंग नहीं मिल रही थी, मैं वापस आके गलत पार्क करके मैंने हस्बैंड को बोला कि आपको जब टाइम मिलता है तो चले जाए, वो सो रहे थे मेरे छोटे बेटे के साथ। तो मैंने कहा आप उठ के देख ले, अगर आपको कहीं पार्किंग मिलती है तो मैं जब तक इफ्तारी बनाती हूँ। तो ये आते ही मैं जल्दी से सालन बनाने लग गई, ग्रोसरी को अपनी जगह पर करना, और ये जो है तो मैं चना चाट आज बना रही थी कि आज जो थोड़ा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि हर रोज़ ही कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई करना ही है कि जो खाया जाए। तो खैर ये मैं बना रही थी चना चाट, और ये जो है तो जो इमली का पल्प था वो मैंने भिगो के रखा हुआ था, और ये जो है तो मैंने उसमें डाल दिया है। तो खैर ज़्यादा चीज़ें मैं सोची थी कि आज ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, आज मैं जो हूँ तो फ़िश लेके आई थी, तो फ़िश जो लक्स था उसको जो है मैंने ओवन में रख दिया है बनाने के लिए। ये चना चाट हमारा बन चुका है आज सिंपल। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा गोश्त को हल्का सा बना लूं, और ये जो है तो एग्स जो है तो मैंने बॉईल कर दिए क्योंकि वो भी डेफिनेटली चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज सैलेड के साथ जो है तो मैं एग्स का करती हूं। और पकोड़े कल बहुत ही शौक से खाए गए थे, जो मुझे यकीन नहीं था कि खाए जाएंगे, लेकिन कल खाए गए, ख़त्म हो गए थे बिल्कुल। वो वाहिद एक चीज़ थी जो कि ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा भाई आज बनता है। और ये मैंने सीख कबाब और साथ में जो है तो फ्राइज़ भी बना लिए थे, क्योंकि मतलब खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। कल भी जो रोटियां थी वो पड़ी रह गई थी, और जो बाकी चीज़ें थी वो खा ली गई थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का दस्तखान, माशाल्लाह हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है। और आई होप कि सब का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा, मेरा थोड़ा बिज़ी गुजरा, और एंड में थोड़ा सा ये था क्योंकि मैं सहरी नहीं करती, मेरे हस्बैंड भी नहीं करते, तो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया था। और ये जैसे ही इफ्तारी और नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो चाय ज़रूरी होती है, हमारी चाय तैयार है। आई होप कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अगेन हैप्पी रमदान, अल्लाह हाफिज़।